Hello everyone, in this video I will explain exercise 12b of class 7th mathematics, chapter name linear equation in one variable. So let's start exercise 12b from question number 2. Second question, x upon 2 plus 4x is equal to 18. Okay, it is question number 2, x upon 2 plus 4x is equal to 18. First of all, taking LCM of 1 and 2, 1 and 2 LCM is equal to 2. Okay, now divide 2 by 2, we get 1 as a quotient and 1 multiplied by x, 1x. Again, divide 2 by 1, 1 2 is a 2, so 4 multiplied by 2 is equal to 8. Means, is 2 ko denominator se divide karne pe jo result milta hai, usko hum numerator mein multiply kar dete hain. Isko divide kiya 2 se, is 2 se divide kiya, isko 2 se, to 1 milega, 1 ko x mein multiply kar diya. Ab is 2 ko divide kiya 1 se. तो 2 क्वेश्चन मिलेगा, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 4 में, 4 टू जो 8. नाउ x एंड 8x इज इक्वल टू 9x, मीन्स 9 अपॉन 2x इज इक्वल टू 18. अब देखिएगा, इस 2 का मल्टीप्लाई 18 में हो जाएगा, ठीक है, 2 इंटू 8, एंड 9 को डिवाइड करना होगा. अभी बोला था ना कि जो इससे पहले के वीडियो में बोला है, एक्सप्लेन किया था कि जो डिवाइड होगा वो इक्वल के साइड चेंज होगा तो साइन चेंज होगा. सो 2 का साइड चेंज हो रहा है तो 2 का साइन चेंज हो जाएगा. 2 डिवाइड में तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा. 9 मल्टीप्लाई में, इसका साइड चेंज करिएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा. तो साइड चेंज होने पर साइन चेंज होता है, ये याद रखिएगा. मल्टीप्लाई किस में चेंज होगा? डिवाइड में. एंड डिवाइड किस में चेंज होगा? मल्टीप्लाई में. जो मल्टीप्लाई में वो इधर आया, डिवाइड में हो गया. जो डिवाइड में वो इधर गया, मल्टीप्लाई में हो गया. 9 2 18, सो x इज इक्वल टू 2 × 2 इज इक्वल टू 4. नाउ अब आपको इसका वेरिफिकेशन करना है कि x इज इक्वल टू 4 आपका करेक्ट आंसर है या रॉन्ग है. तो सबसे पहला काम, हम x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं. ये आपका x है, x अपॉन 2 प्लस 4x, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है. ओके, x इज इक्वल टू 4, ये मिला ना, x इज इक्वल टू 4, सो 4 अपॉन 2 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई x, सो 4x, 4 इंटू 2, 2 टू ज़ 4, सो x इज इक्वल टू 2 एंड 4 टू ज़ 8, 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10. ये आपके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हो गई. अब जरा से राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर दें. राइट हैंड साइड कितना है आपका? 18. सॉरी, यहाँ x की वैल्यू क्या है? 4 है. सो 4 इंटू 4 ये हो जाएगा 16. तो 16 प्लस 2 18. ये आपके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हो गई. एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे 18 है. सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर सेम. इट्स मीन x इज इक्वल टू 4 इज अ करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर सेम एज यू कैन सॉल्व थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन. आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 5. इट इज़ क्वेश्चन नंबर 5. हियर 2m अपॉन 3 प्लस 3m अपॉन 4. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द LCM ऑफ 3 एंड 4. LCM ऑफ 3 एंड 4 इज इक्वल टू 12. ओके, नाउ 12 डिवाइडेड बाई 3. अब 3 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 12 आ जाएगा, 4 से ना. अगर 12 को डिवाइड कर दें 3 से तो मालूम हो जाएगा आपको 4 मिलना है. तो वेन 12 डिवाइडेड बाई 3 वी गेट 4 एज ए क्वेश्चन. सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4. जितना नीचे मल्टीप्लाई करना है 12 लाने के लिए, उतने ही से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए. इसको 12 कब लाएंगे? जबकि ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये 12 आ जाएगा. तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 टू ज़ 8. ये 12 कब बनेगा? जबकि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए. तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 ज़ 9. नाउ 8m प्लस 9m इज इक्वल टू 17m अपॉन 2. अभी बोला था साइड चेंज होने पर साइन चेंज होता है. तो जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ होगा? अपॉन में आ जाएगा. और जो डिवाइड में है वो कहाँ हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा. तो 17, ये तो ये हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 17. 17 एंड 17 कैंसिल आउट, सो m इज इक्वल टू 12. नाउ अब इसको चेक करना है. लेफ्ट हैंड साइड में m की वैल्यू 12 रख देंगे एंड राइट हैंड साइड में तो 12 है. आइए उसका सोल्यूशन देखते हैं. लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 2m अपॉन 3 प्लस 3m अपॉन 4. नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 12. m इज इक्वल टू 12, सो सब्सटीट्यूट 2 इंटू m मीन्स 2 इंटू 12 अपॉन 3. 3 इंटू m मीन्स 3 इंटू 12 अपॉन 4. 3 4 इज 12, ओके, एंड 4 3 इज 12. 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 एंड 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 17. लेफ्ट हैंड साइड 17 एंड राइट हैंड साइड ऑल्सो गिवेन इन 17. राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 17. इफ बोथ वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, इट्स मीन x इज इक्वल टू 12 एज ए करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. इट इज क्वेश्चन नंबर 7. x अपॉन 2 x अपॉन 3 माइनस 3x बाई 4 इज इक्वल टू 3. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द LCM ऑफ 2, 3 एंड 4.
व्हाट विल बी एलसीएम, 12 एज ए एलसीएम। अब 6 सॉरी 2 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, 12 आ जाएगा, 2 6 से 12, सो 6 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया 6x। 3 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाएगा, 4 से, तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा। एंड यहाँ पे 4 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 12 वाले के लिए, 3 से, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए यहाँ पर, इस पर और इस जगह, सब जगह 12 लाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करें, 12 आएगा 6 से, तो 6 वन्स 6x। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, सो 4x। एंड इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 3 से 9x। क्लियर? नाउ 6x प्लस 4x इज इक्वल टू 10x माइनस 9x अपॉन 12 इज इक्वल टू 3। और सिंपली सब्ट्रैक्ट 10x माइनस 9x इज इक्वल टू 1x अपॉन 12 इज इक्वल टू 3, मीन्स x इज इक्वल टू 12, 3 से 36। नाउ अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें लेफ्ट हैंड साइड में, x की वैल्यू 36 रखें, देखें आंसर कितना मिलता है। राइट हैंड साइड में वैल्यू 3 दी गई है, तो लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 3 आनी चाहिए थी। लेट सी द सॉल्यूशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड आपका है x अपॉन 2, x अपॉन 3, 3x बाई 4। जहाँ जहाँ पर x आ रहा है सब जगह x की वैल्यू 36 रख दी जाए। x अपॉन 2 मीन्स 36 अपॉन 2, x अपॉन 3 4, 36 अपॉन 3, एंड 3x मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 30x। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट द वैल्यू, 2 वन ज 2, 2 18 ज 36। क्लियर? 3 वन ज 3, 3 12 ज 36, एंड 4 9 ज 36। क्लियर? नाउ अब इसको आप बिना शॉर्टकट लगाए करिए, आंसर मिल जाएगा 18 प्लस 12 एंड 9 3 ज 27। क्लियर? 18 प्लस 12 बोथ आर पॉजिटिव, सो एड दिस टू नंबर, 30 माइनस 27 इज इक्वल टू 3। इट इज़ योर वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, एंड वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड ऑलरेडी गिवन एज ए 3। बोथ आंसर आर करेक्ट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 3, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 3, मीन्स x इज इक्वल टू 36 एज ए करेक्ट आंसर। ओके, नाउ सॉल्यूशन, लेट सी द स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। हियर क्वेश्चन नंबर 8, x प्लस 3 अपॉन 7 माइनस 2x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 5 अपॉन 5 माइनस 5। ये क्वेश्चन ज़रा सा लेंदी है, बट इसमें शॉर्टकट नहीं करिए कोई, बस 25 अपॉन 1। ओके, नाउ 7 3 जो 21 एज ए एलसीएम, 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3 एंड माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 5। यहाँ पे माइनस लगा हुआ था और 7 आया। अब देखिए 21 LCM है ना, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 21 आ जाए, 3 से, तो 3 से हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि 21 आ जाए, 7 से, तो 7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, 5 एंड 1 के LCM 5 हो गया। इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, 1 से, तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें कि 5 बन जाए, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 125। आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको 125 मिल जाएगा। ओके, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 3 इंटू एक्स 3x एंड 3 3 ज 9, 7 2 ज 14x माइनस माइनस प्लस 7 5 ज 35। और यहाँ सॉल्व कर ले, 3x माइनस 5 माइनस 125 इज इक्वल टू माइनस 130। क्लियर? अच्छा, अब देखिएगा 3x एंड 14x, 9 एंड 35 प्लस 35 प्लस 9 इज इक्वल टू 44 एंड माइनस 14 प्लस 3, ये डिफरेंट साइन है, सो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 14 में से 3 को माइनस करिए, साइन ऑफ ग्रेटर डिजिट माइनस 11x, मीन्स 44 माइनस 11x अपॉन 21 एंड 3x माइनस 130 अपॉन 5। ये आपका स्टेप हुआ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 5 का मल्टीप्लाई इधर हो गया इस पूरे में एंड 21 का मल्टीप्लाई इस पूरे में हो जाएगा। क्लियर? 5 मल्टीप्लाइड बाई 44 माइनस 11x एंड 21 मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 110। ओके, अब ब्रैकेट को ब्रेक कर लीजिए, 5 का मल्टीप्लीकेशन दोनों में होगा, 5 इंटू 44 आप कहीं रफ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 220 एंड 5 11 ज़ 55। सेम एज ईयर, 21 इंटू 3 इज इक्वल टू 63 एंड 21 इंटू 30 इज इक्वल टू 2730। ये ब्रैकेट ब्रेक हो गए। अब हमको क्या करना है, हमको x के सारे नंबर एक तरफ करने हैं और जो कांस्टेंट नंबर है जिसमें x नहीं आ रहा है उसको एक तरफ करना है। देखिए इसमें x नहीं है, इसमें x नहीं ना, सबको हम लेफ्ट में लेके चले आए। 2730 जब लेफ्ट में आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, और माइनस 55 जब इस इधर की तरफ आएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। तो ऐड दिस टू नंबर, 2950 एंड 63 प्लस 55 इज इक्वल टू 118x, मीन्स 2950 इज इक्वल टू 118x। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये अपॉन में आएगा, डिवाइड हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 2950 अपॉन 118
इसको डिवाइड कर लीजिए आप कहीं रफ पे, 25 आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर। अब रही बात इसको चेक करने की, तो आप इसको एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी चेक कर सकते हैं, और या तो आपको प्रॉब्लम होगी तो आप व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा इसको सॉल्यूशन या वेरिफिकेशन सेंड कर दीजिएगा। बट पहले आप इसको ट्राई करिए, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करिए, देखिए आपको रिजल्ट मिलता है कि नहीं। x इज इक्वल टू 25 किस में रखना है, ये पूरे लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में रखना और राइट हैंड साइड में रखना है। अगर दोनों में x की वैल्यू रखने पर, 25 वैल्यू रखने पर सही आंसर मिल जाता है तो आपका आंसर करेक्ट है। इट इज क्वेश्चन नंबर 10। एक्स प्लस 3/2 माइनस, आइए सबसे पहला काम एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 एंड 4 एज ए 4 एलसीएम। अब इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें कि 4 आएगा, 2 से, तो न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ तो 4 था ही, कुछ करने की जरूरत नहीं, सेम है वैसे लिख दिया। यहाँ पर 3 एंड 1 का एलसीएम 3, सो यहाँ पर कुछ नहीं करना, या तो 3 बना हुआ या यहाँ पर 3 तब बनेगा जबकि हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों में करना पड़ेगा, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो जाएगा। ब्रैकेट को ब्रेक करिए, 2x प्लस 6 एंड माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 2x माइनस 4 एंड माइनस 6। अब देखिएगा 2x एंड माइनस 3x डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। ओके, राइट साइड 2x माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 हो गए। अब क्या करना है हमको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 का मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाएगा और इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 6 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 10। ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, 3 5 जो 15, 3 1 जो 3, 4 2 जो 8, 4 10 जो 40। फिर से सारे x को एक तरफ कर लीजिए, नंबर को एक तरफ, 40 को ट्रांसफर कर दिया लेफ्ट में प्लस हो गया, माइनस 3x को ट्रांसफर कर दिया राइट साइड वो प्लस हो गया, 65 इज इक्वल टू 11x, सॉरी ये हो जाएगा आपका 55 इज इक्वल टू 11x, मीन्स 11 5 जो 55, सो x इज इक्वल टू 55। ये 55 है, ये 55 है, ये आपको 11x है, x की वैल्यू 5 मिल गई। अब आप इसका वेरिफिकेशन खुद से कर लीजिएगा, x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में रख दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, फिर x की वैल्यू राइट हैंड साइड में रख के सॉल्व कर लीजिए, देखिएगा रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th, 1.55 प्लस 7 इज इक्वल टू 0.55। y यहाँ पर है, y यहाँ पर, y को एक तरफ कर लें, 7 को राइट से ट्रांसफर कर दें, 1.55 इज इक्वल टू माइनस 0.55 इज इक्वल टू माइनस 7। सो 1.5 में से 0.5 को माइनस कर लीजिए, 1 y इज इक्वल टू माइनस 7 और सिंपली y इज इक्वल टू माइनस 7। इसकी वेरिफिकेशन आइए कर देते हैं, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करते हैं, देखिए क्या बनता है। ये आपकी वैल्यू है 1.5 इंटू वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 7, 15 7 जो 105, सो 10.5 प्लस 7 मीन्स ये हो जाएगा आपका 17.5। क्लियर, सॉरी y इज इक्वल टू माइनस 7 ना, सो राइट हियर माइनस 7 एंड इट इज माइनस, नाउ माइनस 10.5 इज इक्वल टू 7.7 इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 3.5, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गए। एंड वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मीन 0.5 y, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 3.5, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आर सेम, सो योर आंसर y इज इक्वल टू माइनस 7 इज करेक्ट। नाउ 12th क्वेश्चन, 2.8 v इज इक्वल टू 54 प्लस v, सिंपली v ट्रांसफर टू लेफ्ट हैंड साइड, 2.8 v माइनस 1 v इज इक्वल टू 1.8 v इज इक्वल टू 54, v इज इक्वल टू 54 अपॉन 1.8, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 0 हो जाएगा, 18 1 से 18, 18 3 से 54, सो v इज इक्वल टू 30 एज ए आंसर। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन चेक योर रिजल्ट विद द सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ v इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ सेम रिजल्ट, सेम एज क्वेश्चन नंबर 13, 0.26x एंड 0.09x इज इक्वल टू 0.35x एंड राइट हैंड साइड नो चेंज। नाउ 0.45x ट्रांसफर टू लेफ्ट हैंड साइड, इट्स साइन विल बी चेंज, 0.35 0.45 इज इक्वल टू 0.80 इज इक्वल टू 8, मीन्स x इज इक्वल टू 8 अपॉन 0.8, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक जीरो हो जाएगा, 8 1 जो 8, 8 10 जो 80, सो x इज इक्वल टू 10। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन चेक योर रिजल्ट बाई सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड। ओके, x माइनस 10% x ऑफ 17, x माइनस 10% ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई x, नो टेकिंग 100 एज ए एलसीएम, 100x माइनस 10x 90x अपॉन 100 इज इक्वल टू 27। अब फिर से ये ऊपर जाएगा, x इज इक्वल टू 27 इंटू 100 अपॉन 90, 0 0 कैंसिल आउट, 9 3 जो 27, 3 इंटू 10 इज इक्वल टू
30. If you want, you can substitute the value of x in left hand side and right hand side. It is your left hand side. Now substitute the value, x is equal to 30 minus 10% of 30. 30 minus 10% of 30. Now 20 are cancelled out. So 30 minus 3 means 27. It is left hand side, and right hand side also given as a 27. It means your answer is correct. So try to solve remaining part of this exercise. In case of any doubt, you may contact me on my WhatsApp number. Thank you everyone. Goodbye.